Assalamu alaikum class. Today I am delivering the lecture of English language and wants to explain about essay writing. Okay, as you can see on your screen, what is an essay? The word essay means attempt. So any essay must always be the attempt of the writer to express his own thoughts, ideas and feelings. Basically, essay ka मीनिंग क्या है? अटेम्प्ट करना. अटेम्प्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? किसी काम की तकमील की जस्तजू करना. राइटर हमेशा एसेज अपनी आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द काइंड्स ऑफ एसेज. अब मैं आपको एसेज की काइंड्स डिस्क्राइब करूँगी. देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ एसेज. बेसिकली नंबर वन, नैरेटिव एसेज. A narrative essay is concerned mainly with the narration of some events. It covers history, biography, legend, story or current event. सही. डिस्क्रिप्टिव एसेज क्या होते हैं? ऐसे ऐसे जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की तफसील हो रही हो, किसी कंट्री, किसी प्लेस या किसी कोई भी मतलब थिंग हो, कोई भी प्लेस हो, किसी भी कंट्री को डिस्क्राइब कर रहे हों, उसको डिटेल में उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हों, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेज. थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव एसेज. अ रिफ्लेक्टिव एसे डील्स विद द टॉपिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स विच कैन बी फेल्ट लाइक ब्यूटी, लव, ट्रूथफुलनेस, सोशल एंड पोलिटिकल टॉपिक्स एंड फिलोसॉफिकल और रिलीजियस टॉपिक. ऐसे एसेज जिसमें आप ऐसे जिसमें राइटर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ बात करे, मींस ब्यूटी, लव, ट्रूथफुलनेस हो, या फिर कोई पॉलिटिकल टॉपिक हो, या रिलीजियस टॉपिक हो, या किसी फलसफे से फिलोसफिकल टॉपिक हो, इन टॉपिक्स के ऊपर अगर राइटर लिखता है तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव एसेज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, एक्सपोजिटरी एसेज. इन सच टाइप ऑफ एसेज द राइटर शुड सब्सटेंशिएट हिज आर्ग्यूमेंट्स बाय सूटेबल रेफरेंसेस, पैरेलल कोटेशंस, एग्जांपल्स एंड कोटेशंस एट्सेट्रा. एक्सपोजिटरी एसेज वो एसेज होते हैं बेसिकली जिसमें कॉजेज और इफेक्ट्स पे बात हो रही हो. मीन्स कंटिन्यूसली एक राइटर आर्ग्यूमेंट करता है और आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए रेफरेंसेज देता है, बुक्स के रेफरेंसेज देता है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के कोटेशंस को कोट करता है अपनी बात को प्रूव करने के लिए. इस टाइप के एसेज को हम एक्सपोजिटरी एसेज कहते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, एसे इज इमेजिनेटिव एसेज. The writer, these deals with topics which are the results of thinking of the writer's mind. It includes travel accounts where imagination of the author has a part to play. ऐसे ऐसे जिसमें राइटर अपनी इमेजिनेशन से लिखता है, बेसिकली फिजिकली एग्जिस्टेंस ना हो जिस चीज़ का, लेकिन जो इमेजिनेशन में आया और उसने उसे वर्ड्स में लिख दिया, इसे कहते हैं इमेजिनेटिव एसेज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्पेसिमेन ऑफ एन एक्सपोजिटरी एसे. प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान. दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपोजिटरी एसे. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ऐसे मैंने चूज़ किया है जिसके अंदर कॉजेज हैं, इफेक्ट्स हैं, रेमिडीज़ हैं, जिसमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है, रेफरेंसेज हम दे सकते हैं प्रीवियस ईयर से कंसर्न कि पहले एम्प्लॉयमेंट कितना था, अब कितना है. तो बेसिकली ये ऐसे जो है मैंने आपके लिए लिखा है, ये एक्सपोजिटरी ऐसे है. इसकी काइंड एक्सपोजिटरी है. एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सबसे पहले मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया. टॉपिक आपका एक्सपोजिटरी हो, डिस्क्रिप्टिव हो, नैरेटिव हो, रिफ्लेक्टिव हो या इमेजिनेटिव हो, आपको सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो उसको आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो, मींस उसका इंट्रोडक्शन देते हो. कभी भी आप कॉजेज पे, उसके इफेक्ट्स पे या उसके डिमेरिट्स या मेरिट्स पे बात नहीं करते हो. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे एसे का कि जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसको आप इंट्रोड्यूस करवाओ, और फिर उसके बाद आप की से की मिलाते हो. मीन्स आप कॉजेज पे जाओगे, फिर कॉजेज के बाद जितने भी कॉजेज आप जानते हो उस टॉपिक से कंसर्न, जितना भी आपका जीके है, जितनी भी आपकी नॉलेज है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, आप चाहें तो कॉजेज तीन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर नॉलेज. मैंने यहाँ पे तीन कॉजेज लिए हैं. द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, मतलब ये कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी के मसाइल. अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज बताए हैं वो सेकंड पैराग्राफ में बताए हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में इसको इंट्रोडक्शन दिया है कि बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक सोशल इवल को क्रिएट करता है और एक मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद मैंने थर्ड पैराग्राफ से रेमिडीज़ को स्टार्ट किया है.
रेमेडीज में मैंने बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जब जब जैसे कि कॉजेज जब क्लियर हो जाते हैं, तो कॉजेज जब क्लियर होंगे तो बेसिकली फिर हमें रेमेडीज भी नज़र आएंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। हल की तरफ हम तभी जाते हैं जब हमें मसाइल का पता होता है। तो रेमेडीज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट आर क्लियर, वी हैव टू डेवलप आर इकोनॉमी ऑन मॉडर्न लाइन्स। सबसे पहले ये कि हमारा जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान का, वो 70% जो हमारी पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करती है। बाकी का जो 30% बचता है उसमें हम ट्रेड सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हम फिर उस पर पॉपुलेशन एम्प्लॉय हुई हुई है, या फिर जो उनका एम्प्लॉयर है वो यहाँ से मिलता है 30%। 70% जो आबादी पाकिस्तान की वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इसका मतलब ये कि अगर एग्रीकल्चर ही हमारा बैकवर्ड हो, उसको हम अपडेट ही ना करें, तो फिर हम एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से वहाँ पे प्रमोट दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे वहाँ पे बढ़ सकता है। ओके, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ टू बी ओवरहॉल, इट इज़ नो यूज़ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स, वी शुड ले मोर स्ट्रेस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो एक रेमेडी है अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वो ये है कि हमें सिर्फ एकेडमिक डिग्रीज को ही माइंड में नहीं रखना चाहिए, हमें टेक्निकल एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन की बेसिस पे भी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे बहुत सी फील्ड हैं जहाँ पे टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की डिमांड है। तो अगर सबके सब प्रोफेशनल एकेडमिक डिग्रीज को ही, मतलब उस तरफ ही अगर फोकस करेंगे, तो टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन को फिर कौन सोचेगा उस तरफ जो रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, तो वो कैसे फुलफिल होगी। अच्छा, इसके बाद देखें, इट इज़ नॉट द काइंड ऑफ वर्क बट द मैनर इन विच इट इज़ डन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एज सून एज दे आर अप देयर हेट्रेड टूवर्ड्स मैनुअल लेबर दे विल गेट जॉब। नॉर्मली ये होता है कि जो डिग्री पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से, वो ये सोचते हैं कि ऑफिसेज में ही उनको जॉब करनी चाहिए, वो लो लेवल की जॉब को एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इसके लिए आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी जो मैंने लिखी है, kinds of work are good, all the kinds of work are good, तमाम काम respectable होते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं कि ऑफिस में जो बैठ के काम करते हैं सिर्फ वही respectable jobs करते हैं, जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो factories में या फिर mills में जो काम करने वाले जो हमारे जो लेबर्स होते हैं वो मतलब वो respectable नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। यही सोच जो है unemployment को, बेरोज़गारी को प्रमोट करती है, जन्म देती है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। पहले इंट्रोडक्शन दिया है, फिर कॉजेज डिफाइन किए हैं, कॉजेज के बाद फिर रेमेडीज़ की तरफ आए हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन पे आ रहे हैं। पेंसिल से मैंने इसलिए इन चीज़ों को हाईलाइट किया है कि आपको समझ में आए कि मैंने पैराग्राफ्स को ब्रेक किया और किस पैराग्राफ में किस बात को कवर किया है। मैंने कंक्लूजन में ये बता रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट फुली एक्टिव है अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए, अपने एफर्ट्स कर रही है स्पीडली। द नेशनल प्लानिंग कमीशन हैज़ ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड अ प्रोग्राम टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए नेशनल प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश है, जो बेरोज़गार लोगों को रोज़गार फ्राहम कर रहे हैं। तो अच्छा, ये एक स्पेसिमेन था, एक एसे था, एक्सपोजिटरी एसे था, जिससे आपको आइडिया हुआ होगा कि हमें अपने एसे को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। अगर एक्सपोजिटरी कोई भी एसे डिस्क्रिप्टिव है या नैरेटिव है, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दें, फिर उसकी बॉडी टेक्स्ट में जब बिल्कुल सेंटर में जाएं, तो आप फिर उससे कंसर्न कॉजेज, उसकी डिस्क्रिप्शन या कोई हिस्टोरिकल इवेंट है तो आप फिर जाके उसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली है क्या। और लास्ट जो होता है हमारा, वो कंक्लूजन से ही होता है कि जब आप कंक्लूड करते हो, मतलब सम अप करते हो पूरे एसे का। अब आपको क्या करना है, अपने स्कूल के फेयर रजिस्टर्स को ओपन करना है, फर्स्ट टर्म बनाना है, इसके बाद इंडेक्स बनाना है, देन आपको टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज किस चीज़ का बनेगा, एसे राइटिंग का बनेगा, और एसे राइटिंग का जब टाइटल पेज आप बना लोगे, फिर इसके बाद आपको ये तीन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना है। मीन्स ये कि इन तीन टॉपिक्स के ऊपर आप अपने आइडियाज़ को, थाट्स को डिफ़ाइन कर सकते हो, जो भी आपकी नॉलेज है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको इन तीन एसेज को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो। राइट एसेज इन द फॉलोइंग गिवन टॉपिक्स, नंबर वन, व्हाई आई लव पाकिस्तान, नंबर टू, मैनर्स मेक द मैन, नंबर थ्री, द सीजन ऑफ द ईयर यू लाइक मोस्ट। ये तीन ऐसे हैं, बहुत ईजी हैं,
होपफुली कि आप इनके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से लिखने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली ये काम स्कूल्स ओपन होने के बाद, अब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब ये काम चेक होगा। ये तमाम काम जो इस वीडियो में आपको बताया गया है और इससे पहले की वीडियोज़ में जो काम आपका बताया गया था लिटरेचर से कंसर्न, वो तमाम काम आपका स्कूल की फेयर कॉपीज़ में करना है। ये तमाम काम आपका स्कूल में चेक होगा आफ्टर लॉकडाउन। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।